CAA और NRC के विरोध में दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से राजघाट तक मार्च के दौरान एक शख्स ने की फायरिंग। जामिया नगर इलाके में प्रदर्शन के दौरान संघ के युवक ने चलाई गोली, गोली लगने से एक छात्र घायल, होली फैमिली हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। दिल्ली पुलिस ने तेजी दिखाते हुए गोली चलाने वाले शख्स को किया गिरफ्तार, शख्स के पास से पिस्टल भी की बरामद। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से की शांति बनाए रखने की अपील, छात्रों ने लगाए दिल्ली पुलिस गो बैक के नारे, CAA के खिलाफ भी की नारेबाजी। 15 दिसंबर को हुई जामिया हिंसा मामले में क्राइम ब्रांच कर रही है छात्रों से पूछताछ, जामिया विश्वविद्यालय के 3 छात्र पहुंचे क्राइम ब्रांच ऑफिस। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार शर्जील इमाम ने किए कई खुलासे, AMU में भड़काऊ भाषण देने के वीडियो को बताया अपना, वीडियो से नहीं हुई कोई छेड़छाड़। पूछताछ में बोला शर्जील, जो जोश में असम को देश से अलग करने का दिया बयान, FIR दर्ज होने पर हो गया था अंडरग्राउंड। शर्जील ने पूछताछ में क्राइम ब्रांच को बताया उसे अपने दिए गए भाषण पर कोई पछतावा नहीं है और वो अपना विरोध जारी रखेगा। शाहीनबाग पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बड़ा बयान, बोली जो पार्टियां 2019 लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाई वो आज शाहीनबाग के लिए खड़ी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी नेताओं के बयान पर साधा निशाना, बोले प्रवेश वर्मा और मनोज तिवारी के खिलाफ EC जाकर सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। विवादित बयान देने के मामले में चुनाव आयोग ने अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा पर लिया एक्शन, अनुराग पर 72 घंटे तो प्रवेश पर 96 घंटे का लगाया बैन। बीजेपी डेलीगेशन आज जाएगा निर्वाचन सदन, भूपेंद्र यादव डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में चुनाव आयोग से मिलेंगे बीजेपी नेता। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार से मोर्चा संभालेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 3 विधानसभाओं में 12 रैली कर सकते हैं योगी, शाहीनबाग में भी हो सकती है जनसभा। निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस में अक्षय ठाकुर की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज, जस्टिस NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने किया खारिज। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक, संसद भवन लाइब्रेरी में हुई बैठक, संसद को सुचारू रूप से चलाने और संसद के बिजनेस पर हुई चर्चा। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत केंद्र सरकार के कई मंत्री रहे मौजूद, प्रहलाद जोशी ने की बैठक की अध्यक्षता। SP से रामगोपाल यादव, BJD से प्रसन्न आचार्य, कांग्रेस से अधीर रंजन, RJD से मनोज झा समेत कई विपक्षी दलों के नेता पहुंचे, शिवसेना ने बैठक से किया किनारा। वायनाड में राहुल गांधी ने निकाली संविधान बचाओ रैली, दिया विवादित बयान, बोले नाथूराम गोडसे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा एक जैसी। PM पर निशाना साधते हुए बोले राहुल, PM मोदी गोडसे की विचारधारा एक, बस नरेंद्र मोदी में ये कहने की हिम्मत नहीं है कि वे नाथूराम गोडसे में आस्था रखते हैं। AMU में विवादित बयान देने के मामले में कफील खान की मुंबई के बांद्रा कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड पर UP पुलिस को सौंपा। विवादित बयान देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए डॉक्टर कफील अहमद ने की महाराष्ट्र सरकार से अपील, बोले यूपी पुलिस से मुझे खतरा, नहीं भेजा जाए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के AMU में भड़काऊ भाषण देने वाले डॉक्टर कफील के बचाव में उतरी कांग्रेस, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कफील की गिरफ्तारी को ठहराया गलत। महाराष्ट्र के धुले में 4000 से ज्यादा लोगों पर पुलिस ने FIR की दर्ज, बुधवार को CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान की थी पत्थरबाजी। भीमा कोरेगांव केस में NIA ने पुणे सेशन कोर्ट में दाखिल की अर्जी, स्पेशल NIA कोर्ट मुंबई को सारे केस और रिकॉर्ड सौंपने की NIA ने की मांग। 2 फरवरी को महाराष्ट्र में ध्वज रैली निकालेगी MNS, नए झंडे को महाराष्ट्र में हर घर पहुंचाने के लिए ध्वज रैली का आयोजन किया गया है। असम में केंद्र सरकार के प्रयासों की बदौलत आज नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के 1615 कार्यकर्ताओं ने हथियार डाले, गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने हथियार प्रशासन को सौंपे। CAA के खिलाफ दिल्ली के शाहीनबाग में चल रहे प्रदर्शन पर बीजेपी हमलावर, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग ने शाहीनबाग को बताया शैतानबाग, बोले दिल्ली को नहीं बनने देंगे सीरिया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का बीजेपी पर वार, CAA को लेकर बोले तिवारी, ED, CBI और IT कर रहे हैं बीजेपी के लिए काम।
राष्ट्रपिता के समाधि स्थल राजघाट पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर पुष्पांजलि की अर्पित। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी भी पहुंची राजघाट, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किया याद। राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि पर राजघाट पर लगा नेताओं का जमावड़ा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी तक तमाम दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। बापू की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंचे राजघाट, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी राष्ट्रपिता को दी श्रद्धांजलि। गांधी जी की पुण्यतिथि के बहाने दिग्विजय ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले गांधी के विचारों की हत्या बीजेपी ने की, CAA को भारत सरकार तत्काल वापस ले। बापू की पुण्यतिथि के बहाने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने साधा राज्य सरकार पर निशाना, बोले राज्य में कहीं भी कानून व्यवस्था ठीक नहीं। कोरोना वायरस का भारत में पहला केस आया सामने, वुहान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला केरल का छात्र नोवल कोरोना वायरस का हुआ शिकार, आइसोलेशन वार्ड में भर्ती। कोरोना वायरस के पहले केस पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान, हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार, हम अपनी तरफ से नहीं बरत रहे कोई कमी। गुजरात के वडोदरा के सयाजी हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के दो संदिग्ध मरीजों को कराया गया भर्ती, इलाज के लिए दोनों को मेडिसिन विभाग में भर्ती कराया गया। कोरोना वायरस को लेकर बिहार से राहत भरी खबर है, छपरा की लड़की की कोरोना जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव, कोरोना वायरस को लेकर PMCH में करवाई गई थी भर्ती। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए तमिलनाडु के मदुरई में N95 मास्क बनाने का काम हुआ तेज, अतिरिक्त घंटे काम कर मास्क बनाने में लगे कर्मचारी। चीन में कोरोना वायरस पर नहीं लग रही लगाम, अब तक कोरोना वायरस के 1737 से ज्यादा केस आए सामने। चीन में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का कहर, मरने वालों की संख्या पहुंची 170 के पार, अस्पतालों में लगा मरीजों का जमावड़ा। उत्तर प्रदेश के DGP OP सिंह ने रिटायर होने से पहले दिए शुभकामना संदेश, पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दी शुभकामना। दुष्कर्म के आरोपी उत्तर प्रदेश में घोसी से BSP सांसद अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी को लोकसभा सदस्य की शपथ लेने के लिए दी 2 दिन की पैरोल। JDU से निकाले गए प्रशांत किशोर को तेज प्रताप यादव ने दिया RJD में आने का ऑफर, बोले RJD के दरवाजे प्रशांत के लिए हमेशा खुले हैं। पटना दौरे पर आए कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन का शत्रुघ्न सिन्हा पर बड़ा बयान, बोले बिहारी बाबू भले कांग्रेस में, उनकी आत्मा अब भी RSS में। पश्चिम बंगाल BJP अध्यक्ष दिलीप घोष का एक और बयान, बोले जब तक आप जेल नहीं जाएंगे तब तक आपका राजनीति में नहीं कोई वजूद, नेता जेल जाएगा तभी मिलेगी इज्जत। पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा के अवसर पर बरपा विवाद, कोलकाता के दत्ताबाद में उद्घाटन समारोह की अनुमति नहीं दिए जाने पर BJP का TMC पर वार, बंगाल को बांग्लादेश ना बनाए ममता। बिहार के मुजफ्फरपुर में जमीन कारोबारी को अपराधियों ने मारी गोली, गंभीर रूप से घायल कारोबारी को अस्पताल में कराया गया भर्ती, इलाज के दौरान हुई मौत। झारखंड के रांची में छात्राओं की बहादुरी के चलते पकड़ा गया मोबाइल चोर, मोबाइल छीनकर भाग रहे एक शख्स को छात्राओं ने दौड़कर पकड़ा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में संदिग्ध परिस्थितियों में CSI टावर की 8वीं मंजिल से गिरकर केयरटेकर की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस टीम जांच में जुटी। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में गोविंदगढ़ से गुजरते नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को कुचला, युवक की मौके पर मौत। हरियाणा के पलवल में टाटा कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग, करोड़ों रुपए का माल जलकर राख, 25 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। केरल के एर्नाकुलम में उदयपुर में आतिशबाजी के साथ मेले की हुई शुरुआत, नाडुकु देवी मंदिर के बाहर आतिशबाजी में एक महिला झुलसी। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हाई वोल्टेज लाइन से टकराया ट्रैक्टर जलकर खाक, एक कुली की जलकर हुई मौत, वहीं 2 लोग हुए घायल। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में प्राइवेट अस्पताल में शख्स की मौत के बाद बरपा परिजनों का गुस्सा, अस्पताल में की जमकर तोड़फोड़, पुलिस ने किया बीच बचाव। तमिलनाडु के रामेश्वरम में सेतु बंद पर लगा फ्लेमिंगो का जमावड़ा, हजारों की संख्या में फ्लेमिंगो समुद्र तट पर करते दिखे कोलाहल।
अमेरिका और इसराइल को लेकर ईरान में नहीं थम रहा लोगों का गुस्सा। ईरान में एक फैक्ट्री में बनाए जा रहे अमेरिका और इसराइल के झंडे, लोग उन्हें जलाकर निकाल रहे भड़ास। कॉलटेक ने एप्पल और ब्रॉडकॉम से जीता पेटेंट केस। एप्पल को कॉलटेक को देना होगा $1.1 बिलियन का हर्जाना। कैलिफोर्निया में ज्यूरी ने दिया फैसला। शुभमन गिल की 83 रन की पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ए के खिलाफ पहले अनौपचारिक टेस्ट के पहले दिन 216 रन पर सिमटा भारत। जवाब में न्यूजीलैंड ने बनाए 2 विकेट पर 105 रन। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की खिलाड़ी बाला देवी ने रचा इतिहास। स्कॉटलैंड के फुटबॉल क्लब रेंजर्स के साथ किया करार। पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली भारत की पहली महिला बनी।